ट्रिपल मर्डर केस में राजनीति तेज हो गई है। राजद विधायकों के साथ तेजस्वी यादव गोपालगंज जाने के लिए शुक्रवार सुबह 10:05 पर घर से निकले तो उनकी कार के सामने पुलिस ऑफिसर खड़े हो गए। राबड़ी आवास के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। दरअसल तेजस्वी यादव ने गोपालगंज हत्याकांड में जदयू विधायक की गिरफ्तारी न होने पर गोपालगंज जाने की बात कही थी। तेजस्वी ने गिरफ्तारी को लेकर पुलिस को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था और साथ ही उन्होंने गोपालगंज जाने की परमिशन भी मांगी थी, परंतु कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के चलते प्रशासन ने तेजस्वी को गोपालगंज जाने की इजाजत नहीं दी थी। आज तय समय के अनुसार तेजस्वी यादव राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह एक कार में बैठकर गोपालगंज जाने के लिए निकले। गेट से बाहर आते ही पुलिस अधिकारियों ने कार को घेर लिया। डीएसपी कार के सामने खड़े हो गए। पुलिस और प्रशासन ने अधिकारी तेजस्वी यादव को यात्रा पर न निकलने के लिए समझा रहे थे। वहीं तेजस्वी यादव गोपालगंज जाने की जिद पर अड़े हुए थे। तेजस्वी ने कहा कि अपराधियों को छूट है और विधायकों को पीड़ित परिवार से मिलने से रोका जा रहा है। इसी बीच पुलिस और राजद विधायकों के बीच रस्साकसी भी हुई। विधायकों ने बैरिकेडिंग गिरा दिए। इसके बाद गाड़ियों का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ा, लेकिन जल्द ही कारों को पुलिस ने दोबारा रोक दिया। पटना से नीरज कुमार की रिपोर्ट। नेशन 24 की ताजा खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें माय यूट्यूब चैनल और बने रहें माय न्यूज चैनल नेशन 24 के साथ। नमस्कार।